class student. In this class, we are going to discuss our new chapter, chapter number 9, The Kite, written by Anuradha Rao. Inke writer kon hai? Anuradha Rao. So, kite, do you know children, what is kite? Everyone knows about kite. Kite sab bachon ki favorite hoti hai. Am I right? So, let us start our chapter here. I fly so high in the sky. इस लाइन में पोएट वॉन्ट टू टेल अस दैट काइट हमें बता रही है कि आई फ्लाई सो हाई इन द स्काई मीन्स वो बहुत ऊंचा उड़ती है स्काई में. यस ब्राइटली डाइड एंड आई सोर एंड ग्लाइड मीन्स हमने जब भी काइट को देख आपने काइट्स को देखी होगी तो कितने अलग अलग कलर्स में रहती है तो और अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स भी उसमें होते हैं तो इसीलिए काइट कह रही है आई ब्राइटली डाइड और वो इजीली हवा में ग्लाइड करती है मूव करती है. द विंड इज माय गाइड विंड क्या होती है उसकी गाइड होती है हवा में जब वो उड़ती है तो विंड उसकी गाइड होती है. एज आई फ्लटर एंड स्लाइड आई एंटरटेन एंड इंथ्रॉल जब वो हवा में उड़ती है तो बच्चों को क्या करती है एंटरटेन करती है. व्हेन आई फेस अ स्क्वॉल although I am small, I am visible to all. जब वो हवा में उड़ती है sky में उड़ती है तो सभी को दिखाई देती है ना उसका size भले ही छोटा होता है but वो सभी के लिए visible होती है हम उसे easily देख सकते हैं sky में. Essentially everybody can see me, I scan the beautiful skyline. हम उसे स्कैन इजीली कर सकते हैं स्काई में बहुत ही अच्छे से हमें वो दिखाई दे सकती है बिकॉज़ वो स्काई में रहती है और ब्राइटली डाइड होती है. आई डांस इन द वॉर्म सनशाइन येट फ्रीडम कैन नेवर बी माइन आई एम रिस्ट्रिक्टेड बाय अ नेवर मियर ट्विंग्स. तो इस लाइन में काइट क्या कहना चाह रही है हमारा राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली नहीं है वो भले ही आसमान में उड़ती है बट एक जो थ्रेड रहता है उसी से वो कनेक्टेड रहती है और वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है. जब भी हम काइट उड़ाते हैं आप सभी को पता है उसमें हमें एक थ्रेड को बांधना पड़ता है जिसके थ्रू वो उड़ती है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. वो इतना ऊंचा उड़ने के बाद भी उसे फ्रीडम नहीं है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है बाय अ थ्रेड. So this story is this poem is end here student. I hope you like the poem. Thank you.